हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा LIC अकाउंट ओपन कैसे करें। यदि आप LIC अकाउंट का डिटेल सभी देखना चाहते हैं और LIC अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है LIC लॉगिन। LIC लॉगिन सर्च करने के बाद यहाँ पर कस्टमर पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे LIC की ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पर। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए दिखाई देगा न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो रजिस्टर्ड यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप न्यू हैं तो न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद में एक नया पेज खुलता है। यहाँ पर देखिए दिखाई देता है एनरोलमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर यह फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको पॉलिसी नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इस बॉक्स में इंस्टॉलमेंट प्रीमियम अमाउंट दर्ज कीजिए बिना टैक्स के। तो चलिए हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कंट्री कोड सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है मोबाइल नंबर के बॉक्स में। ईमेल आईडी टाइप करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दर्ज कीजिए। नहीं है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दर्ज कीजिए। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करें। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर चेक रहने देना है। इस बटन पर आई कन्फर्म पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन और पासपोर्ट नंबर। अगर सब कुछ सही है तो यस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए एक अलर्ट का मैसेज आ रहा है। आगे बढ़ने के लिए आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट नंबर और स्पेशल कैरेक्टर लगाकर आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड। तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं दोनों बॉक्स में। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से नेवर कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया है। यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, यू आर रजिस्टर्ड ऑन योर कस्टमर पोर्टल बट वेरिफिकेशन। यहाँ से वेरिफिकेशन करना है, ईमेल सेंड वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर बैक कर देना है। यहाँ पर देखिए LIC अकाउंट में मैं लॉगिन हो चुका हूँ आसानी से। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, अलग अलग ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईमेल पर जाता हूँ, ईमेल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है मुझे, इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए OTP जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। OTP इस बॉक्स में दर्ज करना है। अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो रिसेंट OTP के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। OTP हैज़ बिन सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होता है। OTP को इंटर OTP बॉक्स में दर्ज करें। OTP दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए पॉलिसी दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट, प्रीमियर सर्विस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आसानी से आप LIC में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड पॉलिसीज पर क्लिक करके आप पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉलिसी नंबर दर्ज करेंगे। पॉलिसी नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, यह ऐड हो गया है। देखने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा होम बटन पर। यहाँ पर देखिए दो पॉलिसी ओपन हो गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आसानी से आप अकाउंट ओपन करके पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।